हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, आप देख रहे हैं द मोबाइल एंड गैजेट शो का दिवाली स्पेशल एपिसोड। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं दीपिका। अभिषेक, दिवाली मतलब तो मौज मस्ती, घूमना फिरना, शॉपिंग और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करना, बाहर जाना, खाना पीना। एक बार बताओ, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है गिफ्ट हम लोग जरूर देते हैं एक दूसरे को, और गैजेट्स हम लोग बहुत गिफ्ट देते हैं। और इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में अगर आप ट्रेंड्स देखें तो गैजेट्स में, आपने अपना पिछला स्मार्टफोन कौन से त्योहार पर खरीदा था, कब खरीदा था? मैं तो अपना फोन बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती हूं। हाँ, तो कब दिवाली पे चेंज करती हैं, होली पे करती हैं, नवरात्र में करती हैं, कब करती हैं? दिवाली पे करती हूं। तो बिल्कुल, तो इस दिवाली आपने अपना स्मार्टफोन चेंज करने के बारे में कुछ सोचा है? बिल्कुल, मेरे को अपना फोन भी चेंज करना है। और मुझे अभिषेक, आप अगर आपके नजरिए से हम देखें तो मुझे कोई ऐसे फोन बताओ जो अच्छे भी हो, ठीक है, और जिनका प्राइस भी ठीक हो और इस दिवाली उनको गिफ्ट भी किया जा सके। देखिए, इसीलिए इस हफ्ते द मोबाइल एंड गैजेट शो में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 10 स्मार्टफोन रिकमेंडेशन लेकर आए हैं और अलग अलग प्राइस सेगमेंट में। तो आप बस अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम आपको एक लंबी सैर पर ले जा रहे हैं स्मार्टफोन की। और इन 10 स्मार्टफोन्स में हमारा ये पूरा का पूरा दावा है कि एक ना एक स्मार्टफोन तो आपको जरूर पसंद आएगा, और इस दिवाली ये एपिसोड देखने के बाद आप वो स्मार्टफोन खरीदने के लिए जरूर जाएंगे। तो देखिए कौन सी हमारी पहली रिकमेंडेशन, पहले 5 स्मार्टफोन सबसे पहले देखिए अभी। एक जमाना था जब दिवाली पर ज्यादा कंज्यूमर्स टीवी, रेफ्रिजरेटर जैसे होम अप्लायंसेस खरीदा करते थे, पर आजकल तो दिवाली पर नया स्मार्टफोन खरीदा जाता है। इसीलिए दिवाली के आसपास ही सारी मोबाइल कंपनियां अपने बेस्ट स्मार्टफोन्स बाजार में उतारती हैं, वो भी बेहतरीन ऑफर्स के साथ। तो इस दिवाली कौन सा स्मार्टफोन खरीदा जाए, आइए देखते हैं। दिवाली के वक्त अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो दिखने में अच्छा हो, फोटोग्राफी के मामले में कॉम्पिटिशन से बेहतर हो और बजट के मामले में 10-11 हजार रुपए से ज्यादा खर्चा ना करना हो, तो ऑनर 6X पर नजर डालिए। इस पैसा वसूल स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसमें दिया गया ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिससे दिवाली के मौके पर बेहतरीन पोर्ट्रेट्स लिए जा सकते हैं। ऑनर 6X में 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के कैमरों की जोड़ी दी गई है। इस बजट में ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ आने वाले चुनिंदा फोन्स में से ऑनर 6X एक है। सेल्फीज के मामले में भी ऑनर 6X पर भरोसा किया जा सकता है। 3340 मिली एम्पियर की अच्छी बैटरी है जो दिन भर का साथ आराम से दे देती है। 3GB और 4GB रैम के ऑप्शंस के साथ आने वाले इस स्मार्टफोन को हर नजर से भरोसेमंद कहा जा सकता है। ऑनर 6X के दाम शुरू होते हैं 10,999 रुपए से, और इस स्मार्टफोन बजट कॉन्शियस लोगों के लिए इस दिवाली बेस्ट बाय बन सकता है। पर अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिनके लिए स्मार्टफोन के लुक्स एंड डिजाइन किसी भी और फीचर से ज्यादा मैटर करते हैं, तो LG Q6 आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकता है। 12,990 रुपए में मिलने वाला ये स्मार्टफोन LG के 5.5 इंच के फुल विजन डिस्प्ले के साथ आता है, जो 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन गैलेक्सी S8, नोट 8, आईफोन 10 जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स में आया करती है, और यहाँ इस तरह की स्क्रीन आपको 15,000 रुपए से भी कम बजट में मिल रही है। LG Q6 6 महीने की स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ भी आता है। ये 4G स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें अपने स्मार्टफोन्स पर वीडियोस देखना सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छी स्क्रीन के साथ ही LG Q6 तगड़ी बैटरी और अच्छी प्रोसेसिंग पावर के साथ भी आता है। अब दिवाली की स्मार्टफोन बाइंग लिस्ट में एक ऐसा फोन जो 15,000 रुपए के बजट में आपको बेस्ट ऑफ एवरीथिंग देने की कोशिश करता है, पेश है Xiaomi Mi A1। गूगल के एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के तहत लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है, जिसमें गूगल नेस कूट कूट कर भरी हुई है। Mi A1 एंड्रॉइड नूगट पर चलता है और एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट इसे इस साल के अंत तक 101% मिल जाएगा। यानी अगर आप ये फोन खरीदते हैं तो सॉफ्टवेयर के मामले में तो ये हो गया फ्यूचर प्रूफ। इसके साथ ही Mi A1 उन गिने चुने स्मार्टफोन्स में से है जो 15,000 या उससे भी कम के बजट में iPhone 8 Plus जैसे ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। इसके अलावा खूबसूरत डिजाइन, 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन और तगड़ी बैटरी लाइफ अलग से।
Xiaomi Mi A1 के दाम है 14,999 रुपए। चलिए अब जरा बजट को बढ़ाते हैं और 30,000 से कम बजट में आपको फ्लैगशिप दिलाते हैं। हमारी दिवाली लिस्ट में पहला नंबर है Honor 8 Pro का। ठीक ठाक का दिखने वाला यह फोन परफॉर्मेंस के मामले में लंबी रेस का घोड़ा है। 26,999 रुपए की कीमत वाले Honor 8 Pro में Kirin 960 प्रोसेसर और 6GB रैम का साथ दिया गया है। 4000 मिली एम्पियर की दमदार बैटरी है और 128GB की इंटरनल स्टोरेज भी। इस फोन में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो बाजार में बिक रहे ज्यादातर फ्लैगशिप डिवाइसेज में है। इन सब के अलावा 5.7 इंच की क्वाड HD स्क्रीन और डुअल कैमरा सेटअप तो Honor 8 Pro की डील को और भी ज्यादा स्वीट बना देते हैं। तो अगर आप उन कंज्यूमर्स में से एक हैं जिन्हें अपने स्मार्टफोन से सब कुछ चाहिए पर पैसा 30,000 से कम खर्च करना है तो Honor 8 Pro कंसिडर जरूर करें। बजट थोड़ा बढ़ाइए और OnePlus 5 पाइए। Snapdragon 835 और 8GB रैम के किलर कॉम्बिनेशन वाले स्मार्टफोन की तो बात ही क्या। ऑन पेपर तो OnePlus 5 Samsung और Apple के फ्लैगशिप डिवाइसेस के छक्के छुड़ा देता है। गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग या हो फोटो वीडियो एडिटिंग, OnePlus 5 की जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर हर टास्क को अंजाम अच्छे से देना जानती है। हालांकि इसके कैमरे में बाकी कंपटीशन जितना दम नहीं है पर फिर भी OnePlus 5 उन यूजर्स के लिए तो परफेक्ट फोन ही है जिन्हें लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए। OnePlus 5 के लिए आपको कम से कम 32,999 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दीपिका, 5 स्मार्टफोन तो दिखा दिए, इन 5 में कोई एक तो पसंद आया होगा? बिल्कुल, मुझे एक नहीं, मुझे 2 फोन पसंद आए हैं। मुझे कंफ्यूजन हो गया। मुझे LG का Q6 और Mi का A1 जरूर दोनों पसंद आए हैं। इनफैक्ट ये दोनों ही स्मार्टफोन दीपिका अगर हम देखें काफी बढ़िया है, मतलब पैसा वसूल है। जहां पर LG Q6 में आपको जिसे कहा जाए ऑलमोस्ट बेजललेस डिजाइन आपको मिलती है और क्या 12-13 हज़ार रुपए की कीमत में, और Xiaomi का Mi A1 तो एंड्रॉइड के स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ आता है, एंड्रॉइड A1 एक्सपीरियंस, मतलब वो जितना एंड्रॉइड फोन स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन है उससे और Xiaomi का फोन वो कम है और मतलब गूगल का फोन वो ज्यादा है। मतलब आप सजेस्ट करते हो ले लूं ना मैं दोनों फोन? इन दोनों में से कोई भी फोन जो आपको जिस पर बेस्ट डील मिल रही हो ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आप फोन। ठीक है, एक फोन मैं अपने लिए ले लेती हूँ और एक गिफ्ट करने के लिए ले लेती हूँ। परफेक्ट। तो ऑन दिस नोट अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आइए और आपको दिखाएंगे बाकी बचे हुए और कौन से 5 वो स्मार्टफोन है जो इस दिवाली आपको खरीदने चाहिए।